नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। बीजेपी मिशन बंगाल को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तमाम तरह के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं, जहां वोटिंग से ठीक पहले ही टीएमसी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी के अंदर ऐसी भगदड़ मची हुई है कि दिग्गज नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसने ममता दीदी की बेचैनी बढ़ा दी है। तो बीजेपी जाने माने चेहरों को अपने खेमे में शामिल कराने में जुटी हुई है, जिससे उसे चुनाव में बड़ा फायदा मिल सके। जहां हाल ही में तमाम तरह के कयासों के बीच मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामते हुए बंगाल चुनाव में पार्टी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ा दी है, उधर लंबे वक्त से अटकलें लगाई जा रही हैं कि बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि सौरव गांगुली कोलकाता की मेगा रैली का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मगर अब आज तक से बातचीत करते हुए सौरव गांगुली ने जो कहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दादा का विचार राजनीति में आने का है। हालांकि उन्होंने सीधे सवाल का गोलमोल जवाब दिया, लेकिन जो कुछ भी कहा उसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि गांगुली राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। रिपब्लिक बांग्ला से बातचीत के दौरान जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली से सीधे तौर पर पूछा गया था कि वो राजनीति का रुख कर सकते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि अब तक की जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है, लाइफ ने मुझे हमेशा बढ़िया मौके दिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे राजनीति बुरी तो नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने देश के विकास के लिए काफी अच्छा काम किया है और लगातार कर भी रहे हैं, मैं हमेशा इसका आदर करता हूं। फिलहाल दादा के इस नर्म रवैये से यही आभास हो सकता है कि वो जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और काम पर वापस लौट आए हैं, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम का बड़ा नाम सौरव गांगुली को जनवरी महीने की शुरुआत में दिल का दौरा पड़ा था। वो जिम करते हुए अपने घर में गिर पड़े थे, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। उनको उस वक्त एक स्टेंट लगाया गया था, वो अस्पताल से घर लौट आए थे, लेकिन उसके 10 दिनों बाद ही उनकी हालत फिर से खराब हुई और उनकी एक बार फिर से एंजियोप्लास्टी की गई और उन्हें 2 और स्टेंट लगाए गए हैं। फिलहाल वो 31 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे और इन दिनों वापस बीसीसीआई का काम संभाल रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि सौरव गांगुली आने वाले दिनों में सियासत में एंट्री लेते हैं या नहीं। देखना ये भी होगा कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो पार्टी उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी देती है। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।